ਪੁੱਠੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠੜਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੌਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੌਂਡੇ ਬਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲੌਂਡੇ ਬਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਦਬਾਦ। हेलो वेलकम बैक टू दिसंबर व्लॉग्स। तो आज आपका भाई लेके आए एक और व्लॉग जिसमें हम करने जा रहे हैं चैलेंज, और चैलेंज आम नहीं होगा बल्कि चैलेंज बहुत ही मज़ेदार होने लगा है। और मेरा व्लॉग में कोई मज़ा या कोई चैलेंज ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने लगा है आपके लिए, या चैलेंज कह रहे इसे या एक कुछ भी कह लें आप लेकिन ये बहुत मज़े का होने लगा है आपके लिए। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जिनमें नूडल्स लाए जाते हैं, उनको बनाया जाता है, उनको टेस्ट करके बताया जाता है कि उनके टेस्ट करके उनका रिएक्शन लिया जाता है, और वर्ल्ड के स्पाइसी नूडल्स हैं वो। तो ये अभी मैं नूडल लेके आऊँ, ये हैं जी सैम यंग नूडल्स जी। मैं बात कर रहा था सैम यंग नूडल्स की। तो अब हम ये इसको लेके आए हैं, ब्लैक में नहीं मिला, 3x भी नहीं मिला और ब्लैक में भी नहीं मिला, ठीक है। तो अगर आपने इस व्लॉग पे अगर मेरे सब्सक्राइबर 1k कर दिए तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेके आऊँगा 3x पे, ठीक है। और इसके साथ एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, ये कोरियन नूडल है, और साथ ही साथ एक ये पाकिस्तानी नूडल का भी हम वर्सेस करेंगे, इसके साथ वर्सेस करेंगे। और ये है जी बेलेजन 2x, ठीक है, ये बेलेजन 2x है। तो इसका जो व्लॉग है ना वो इससे अगले वाले व्लॉग में आएगा, ठीक है। यानी कि जो पहले हम ट्राई करेंगे वो है ये कोरियन नूडल्स, और उसके बाद अगर आपने उस वीडियो बनाने तो ताकि आपको लगे ना ये, क्योंकि मैं ये वीडियो में इसके पार्ट्स थोड़े थोड़े एडिट करके डाल दूँगा, क्योंकि आपको लगे ना कि ये नूडल्स मैंने बनाए और इसमें इनके मसाला वगैरह कम डाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि पूरा आपके सामने मैं डालूंगा, जो इसके अंदर होगा वो मैं सब कुछ इसके अंदर डालूंगा और आपके सामने ये नूडल बैठ के खाऊंगा। तो फर्स्ट टाइम है 2x है, तो देखो क्या होता है। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना है बस भाई को, अब तो लाइक करो, अब तो ठोको, अब तो सब्सक्राइब करो, सिम्बा व्लॉग्स को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। चलते हैं अभी आगे की तरफ और बनाते हैं सैम यंग नूडल्स। 2000 years later। हेलो, तो बन चुके हैं अभी हमारे नूडल। तो अभी हम करने लगे हैं टेस्ट, जैसे कि नाम तो बड़ा सुना है मिर्चों का, लेकिन देखें स्पाइसी तो बहुत होते हैं, स्मेल ज़रा अजीब सी है इसकी, रेड वाला है शायद इस वजह से, या फिर ब्लैक में स्मेल नहीं होती है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी ये हालत डाला प्लेट मैंने ऐसे है, तो वो प्लेट का सारा हाल जो बुरा हो गया। तो अभी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं कैसा होगा, स्मेल बहुत अजीब आ रही है कसम से। कानों में से धुआं निकलने लगा, स्पाइसी है काफी, मिर्चे हैं, मेरे पहले चम्मच नहीं हो गया। खाते हैं जल्दी जल्दी, प्लेट खत्म करके दिखाऊंगा, देखना तुम लोग। स्मेल अजीब है लेकिन स्पाइसी बहुत है। बच्चे हैं, मुंह चल रहा है, बस मैं निकाल रहा हूँ, प्लेट खत्म करके दिखाऊंगा, देखना तुम लोग। बस हवा निकल गई, अबे टाइमिंग रखी थी, मैं टाइमिंग लेके आया, रुको।
يا مرحبا. बाकी तो आपने नूडल्स का रिव्यू देख ही लिया है यार। अभी जो मैंने खाए हैं रेड नूडल्स से यार, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, सैमयंग, उससे तो मेरी भाई खिला के रख दी थी। और उसकी ये कि नूडल बहुत बहुत तरीका इसका अजीब सा था, ये देखिए चिकन की तरह था या कुछ, स्मेल अलग सी थी, जायका अलग आ रहा था भाई साहब। और मिर्ची ऊपर से दुबाग, भाई सिर्फ मिर्चियों का नाम है, सही बात है, इस नूडल का बाकी कुछ नहीं। लेकिन 2x जब इतना स्पाइसी है तो 3x कितना होगा यार। अगर आपने इस वीडियो पे, इस चैनल पे 1k सब्सक्राइबर कर दिए, जितनी जल्दी करोगे वो आपका भाई 3x वाला भी टेस्ट करेगा, नहीं मानता, लेके आएगा, उसका रिव्यू बनाएगा, फिर आपने देखना है और आपने घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है ना। बस दबा दो सब्सक्राइब का बटन और इसी के साथ अपने सिम्बा को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले व्लॉग में। धड़ना पतक दिखता पतक धड़ना पतक दिखता पतक पगड़ी 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 पगड़ी